हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सिविल पल साइट इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटो कैड पे टॉयलेट कैसे बनाए, उसके मैप के बारे में, उसका नक्शा आपने कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं चलता हूँ सीधा वीडियो पे। यहाँ पे हम ऑटो कैड खोल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिकली पहले से ही बना रखा है। यहाँ पे मैं आपको दोस्तों दिखाऊंगा कि आपने सेफ्टी टैंक को कैसे अलग से नक्शे में शो करना है, उसकी डायमेंशंस, उसका सेक्शन। ठीक है दोस्तों, सेक्शन के बाद में वो कैसा दिखेगा, उसके बाद में आपने दोस्तों थिकनेस उसकी कैसे लेनी है। थिकनेस मैं दोस्तों यहाँ पे 6 इंच ली हुई है, मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मेन होल का साइज क्या लेना है आपने। दोस्तों ये मैं मीटर में लिया हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो मोस्टली मीटर्स में ही काम करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हायर प्रोजेक्ट्स पे या मल्टी नेशनल कंपनीज जो होती हैं उनके इंजीनियर्स जो हैं वो फीट में या इंचेस में काम करते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट इम्प्लॉयज़ होते हैं या जो पंचायत विभाग में काम करते हैं या फिर जिला परिषद विभाग में काम करते हैं वो मोस्टली मीटर्स में ही काम करते हैं, उनके यूनिट्स जो होते हैं वर्क करने के वो मीटर्स के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ कि आपने कैसे आपका नक्शा तैयार करना है, और उसको इतनी इजीली अगर कोई अननोन पर्सन भी देखेगा तो उसे कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे कौन सी चीज़ है और वो इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेगा और उसको बनाने में वहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली कि नहीं होने वाली, वो आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे एग्जीबिशन। तो दोस्तों ये है एक सेप्टिक टैंक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सेप्टिक टैंक है। तो आपने क्या करना है, आपको करना है कटिंग। तो जब भी आप एग्जीबिशन करते हैं तो दोस्तों जो सेप्टिक टैंक है वो आपको खुदाई करनी पड़ती है। जब भी आप खुदाई करते हैं तो डिपेंड करता है कि जो बेनिफिशियरी है, जिस बंदे ने सेप्टिक टैंक बनवाना है वो कितनी खुदाई करवाना चाहता है या फिर वो कितना जो गहरा आपने सेप्टिक टैंक बनवाना चाहता है उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट, वो उस पे डिपेंड करती है। तो दोस्तों आपने सिंपल क्या करना है, आपने करना है एग्जीबिशन। यहाँ पे मैंने जो एग्जीबिशन की है, जो कटिंग की है, वो आपको दिख रही है यहाँ पे 2.6 मीटर × 2.2 मीटर, यानी इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो 2.6 मीटर है और जो इसकी विड्थ है वो 2.2 मीटर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको सिंपल दिखा दिया। ये जो टोटल हमारे पास हाइट आई है वो हाइट भी हमने यहाँ पे 2.4 मीटर ली है, यहाँ पे मैंने 2.2 लिखी है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास जो हाइट है ये 2.4 मीटर, ये ऑलमोस्ट 8 फीट बनती है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में जो हमारे यहाँ पे जो मैं नीचे पीसीसी ली है, ठीक है दोस्तों, जो पीसीसी ली है वो उसकी जो रेशियो यहाँ पे यूज की गई है वो M10 ली हुई है। ठीक है दोस्तों, 1:3:6, और जो इसकी थिकनेस है वो 6 इंच है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 6 इंच की थिकनेस ली है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी ऑलमोस्ट 0.15 मीटर इसकी थिकनेस बनती है। मैंने यहाँ पे इजिली दिखाने के लिए इसको 6 इंच का शो कर दिया, तो आप इजिली देख सकते हैं इसको 6 इंच की आपने यहाँ पे पीसीसी डालनी है जो कि आपकी प्लेन सीमेंट कंक्रीट होती है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में जो यहाँ आपको आपको साइड पे दिख रहा है ये आपके ब्रिक वर्क है, इसमें आपने 6:1:6 का जो रेशियो है वो यहाँ पे यूज करना है। और उसके बाद में जो आपको ये जो येलो येलो कलर का जो आपको विजिबल है दोस्तों, ये है आपकी मिट्टी जो आपने यहाँ से एग्जिबिट करके अदर साइड में फेंकनी है, या फिर इसका जो भी यूज करना है वो आप पे डिपेंड करता है। और जो यहाँ पे कटिंग मैंने आपको शो कर रखी है, और दोस्तों जो आपको ये लाइन एक डिस्प्ले हो रही है, एक लाइन जो ये लाइन है ये करती है ग्राउंड लेवल को रिप्रेजेंट। तो जो ग्राउंड लेवल के नीचे तक की जो हमने खुदाई करी है वो दोस्तों यहाँ तक है। ठीक है दोस्तों, और उसके ऊपर जो हमारा सेफ्टी टैंक दिखेगा वो इतना दिखेगा, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। उसके बाद जो हमने यहाँ पे आरसीसी डाली है, री इन्फोर्समेंट डाली है, वो जो डाली है हमने उसका जो रेशियो लिया है वो लिया है हमने यहाँ पे M20। ठीक है दोस्तों, M20 का जो रेशियो होता है वो होता है 1:1:3, ठीक है इंग्लिश में 1:1.53। जो इसकी थिकनेस है दोस्तों वो हमने यहाँ पे 5 इंच ली है। अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारी आएगी 0.12। ठीक है दोस्तों, 0.12 हमारी जो होगी वो थिकनेस आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर खड़ा करना है टॉयलेट का, ये तो दोस्तों हमारे एग्जीबिशन का था जो कि एलिवेशन है, ये साइड व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको कट करके। तो उसके बाद जो हमारा प्लान होगा दोस्तों, वो प्लान कुछ ऐसा दिखाई देगा। दोस्तों ये सेफ्टी टैंक है, ये एक मैंने सिंपल सेफ्टी टैंक बनाया है जो कि रेक्टेंगल शेप में। कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ से सेंटर से एक वॉल लेते हैं जिसको बफल वॉल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वो वॉल लेते हैं, लेकिन ये मैंने आपको सिंपल सिखाने के लिए एक सिंपल सेफ्टी टैंक का प्लान बनाया है। आप चाहें तो अपने बेनिफिशियरी के अकॉर्डिंग या फिर अपने लिए खुद बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे एक वॉल लेनी चाहिए, जिसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक शो कर देता हूँ, मैंने अलग से बनाया हुआ है दोस्तों।
ये है मेरे पास सेप्टिक टैंक का एक अनदर, जो मैंने यहाँ पे एक वेफर बॉल ली हुई है, देखो ये दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये हमारा सेप्टिक टैंक का प्लान है। ठीक है दोस्तों, इसकी डायमेंशंस अलग चीज ली हुई है, ये मैंने फीट में लिया हुआ है। और इसमें जो होगा हमारा इनलेट, ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है, ये मेन होल्स हैं। जो मेन होल्स का जो हमने डायमेंशंस लिए हुए हैं वो 2 फीट बाय 2 फीट का लिया हुआ है, और यहाँ पे हमने 2 मेन होल लिए हुए हैं, दोनों का सेम साइज है। उसके बाद जो हमारे पास आउटलेट है वो ये है, और जो टोटल इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो 15 फीट है। उसके बाद जो इसका एलिवेशन दिखाई देगा, जो सेक्शन दिखाई देगा, वो आपको सेक्शन कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो जो इसमें जो 3 लेयर्स हमें रिप्रेजेंट हो रही हैं दोस्तों, जो इसमें जो पहली लेयर है वो हमारे पास स्कम है, उसको स्कम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, स्कम बोलते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड लेयर्स आती है वो आती है वाटर की, इसमें जो सेडिमेंटेशन होती है या फिर जो भी कण पाए जाते हैं वो सेटल हो जाते हैं। तो उस लेयर को जो सेटल्ड हो जाती है, जो यहाँ पे बाहरी कुछ भी सेडिमेंटेशन इसमें होती है, तो वो होते हैं स्लज लेयर, उसको हम बोलते हैं स्लज लेयर। जो नीचे यहाँ पे जो आपको विजिबल हो रहा है दोस्तों, ये है स्लज। ठीक है, ये हैवी पार्टिकल्स हैं जो नीचे पानी के नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, और जो ये बीच में हमें वॉल दिख रही है दोस्तों, ये हमने पार्टीशन के लिए रखी है, ताकि जो हमारा स्लज है वो मोस्टली यहीं पे रिटेन हो जाए, वो आगे ना जा पाए, इस चीज के लिए होती है, और इसको बफल वॉल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो इनलेट है हमारा वो इस तरीके से दिखेगा, उसके बाद जो आउटलेट है हमारा वो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका इनलेट है और जो आउटलेट है आपका, वो मोस्टली 1 फीट से लेके 6 इंच तक ही आपका नीचे होना चाहिए, उससे ज्यादा नीचे ना हो। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक एग्जॉस्ट पाइप लगानी होती है दोस्तों, जिस एग्जॉस्ट पाइप से फॉल गैसेस जो है वो इस एग्जॉस्ट पाइप से, दोस्तों जो फॉल गैसेस हैं वो यहाँ से रिलीज होती हैं। आपको पता है सेफ्टी टैंक में मोस्टली अगर ज्यादा टाइम हो जाए और इसका रिपेयर ना किया जाए, या उसकी जो जो इसमें जो स्लज है या जो भी इसमें वेस्ट पार्टिकल्स है वो नहीं निकाले जाते हैं, की सफाई नहीं होती है, तो इसमें से फॉल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जो कि काफी दुर्गंध फैलाती हैं। तो उन फॉल गैसेस को रिलीज करने के लिए यहाँ पे एक पाइप जनरेट की जाती है, लगाई जाती है, इंस्टॉल की जाती है, जिससे कि जो गैसेस हैं वो निकल जाती है, और उससे जो पोल्यूशन है या फिर जो बदबू फैलती है वो कम होती है। ठीक है दोस्तों, और उससे आपके सेप्टिक टैंक भी खराब होने के चांसेस भी कम होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था 3D, मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे कि आप कैसे ये सेप्टिक टैंक को रिप्रेजेंट करते हैं और उसको दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, ये है हमारे पास लेआउट, जो सिंपली हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, एक आर्किटेक्चर कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप सेक्शन देख पा रहे हैं, ये है हमारे पास प्लान, और इस प्लान को, और यहाँ पे ये दिख रहा है हमारे पास सेक्शन। वहां पे दोस्तों मैंने 2 मेन होल लिए थे, यहाँ पे मैंने 1 मेन होल लिया है, और यहाँ पे जो हमारे पास डायमेंशन है वो डायमेंशन है हमारे पास 0.75 मीटर × 0.6 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो जो ये है ये हमारे पास अगर फीट में कन्वर्ट करते हैं तो बनता है 2.5 फीट × 2 फीट। ठीक है दोस्तों, वहां पे मैंने 2 लिए थे, 2 2x2 के थे, और यहाँ पे मैंने 1 लिया, तो ये मैं लिया 2.5 बाय 2 फीट का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमने थिकनेस आपको बता चुका हूँ, सेम चीज। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर हमने बनाना है टॉयलेट, के टॉयलेट क्रिएट करना है। ठीक है दोस्तों, सेप्टी टैंक के ऊपर हमने बनाना है टॉयलेट, उसके लिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है ये प्लान, टॉयलेट ऑन सेप्टी टैंक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डोर का साइज मैंने आपको पहले से ही दिखा दिया, ताकि अलग से आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे जो है हमारे पास है, डोर का साइज जो है वो हमारे पास 0.75 मीटर × 2.1 मीटर। तो दोस्तों इसका मोस्टली 2.5 फीट, या फिर इसको कह सकते हैं 2.5 से 2.5 फीट ही बनता है, 2.5 फीट × 7 फीट इसकी हाइट होती है। और उसके बाद यहाँ पे मैं दोस्तों एक एग्जॉस्ट लिया हुआ है, इसको बोलते हैं हाफ लेंथ विंडो, इसका जो साइज है वो है 2 फीट बाय 2 फीट, और मीटर में इसका बनेगा 0.6 × 0.6। ठीक है दोस्तों, जो वॉल ली है मैंने वो ली है 9 इंच की, जिसका 0.23 मीटर। ठीक है दोस्तों, वॉल बनती है हमें, और जो सेक्शन कट किया वो क्या हमने AA सेक्शन कट किया है। और जो हमें सेक्शन दिखाई देगा दोस्तों, सेक्शन कुछ ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे हमें एक डोर दिखाई देगा।
दोस्तों यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो सेक्शन वाला जो रिप्रेजेंट होगा, जो सेक्शन कट करने के बाद में जो हमें दिखेगा वो यहाँ पे हमें देखिए दोस्तों, ये जब हम इसको सेक्शन कट करते हैं तो यहाँ से हमें एक दिखेगा डोर, डोर यहाँ दिखेगा हमें दोस्तों। उसके बाद हमें दिखेगी यहाँ पे जो हमने हाफ लेंथ विंडो बनाई है वो यहाँ पे हमें दिखेगी, ठीक है दोस्तों। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया कि जो हम ये जो टॉयलेट बना रहे हैं वो बना रहे हैं अपने सेप्टिक टैंक के ऊपर, सेप्टिक टैंक के ऊपर हम जब टॉयलेट बनाए थे दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख दिया एग्जिस्टिंग सेप्टिक टैंक आरसीसी स्लैब 1-3-6 थिकनेस 5 इंच, ठीक है दोस्तों। तो इससे जो बनाने वाला उसको इजीली पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने जो रूफ है, जो हमारा जो बॉटम फ्लोर है वो सेप्टिक टैंक की रूफ है, ठीक है दोस्तों। एग्जीबिशन के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको इजीली मिल सके। और अगर आपको ऑटोकैड से रिलेटेड कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा जो कि आपकी समस्या को सॉल्व कर सकेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप 3D में ये देख रहे थे, तो इसके शायद आप होपफुली ये समझ चुके होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।